एक ज़माना था कि अफगानिस्तान से हमने ट्रीट किया अफगानिस्तान से लोग आते थे चंद्रशेखर जी जो प्राइम मिनिस्टर भी बने उस समय प्राइम मिनिस्टर नहीं थे वो यूथ लीडर थे कांग्रेस के उनको गॉल ब्राइडन में अक्की उठ इन्फॉर्मेशन में अक्ट कॉल स्टैटस कहते हैं वो अपने बलिया में थे बलिया से उनको ले जाया गया लखनऊ लोगों ने कहा कि यहाँ ठीक इलाज नहीं होगा दिल्ली जाइए दिल्ली लोगों ने कहा ने ने पटना जाइए हम उस वक्त यस डॉक्टर बने थे नए नए हमारे टीचर थे डॉक्टर जीवन शाही उन्होंने उनका ऑपरेशन किया हम लोग भी टका हुआ काटते थे बाद में उनका तो ये रुतबा था पटने का सर हम यहाँ पर बात बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था के ऊपर करने आए हैं कि इन दिनों कोरोना में जिस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खुली है और आपके ज़माने की अगर बात कर लें तो हमने आ, आर्टिकल्स में भी पढ़ा आपके इंटरव्यूज़ में भी पढ़ा कि भूटान से नेपाल से लोग आया करते थे इलाज करवाने के लिए पटना स्पेशली आप तो सर्जरी के एच रह चुके हैं पीएमसीएच में तो इन दिनों क्या हो गया कि अचानक से हेल्थ सिस्टम जो है वो पूरी तरह से ड्रॉप डाउन हो गया देखिए एक चीज़ जो आज से पचास साल पहले बहुत अच्छी थी बहुत मशहूर थी बहुत ही फ़ायदा दे रही थी कोई ज़रूर नहीं कि पचास साल बाद भी उसकी उतनी ही इम्पोर्टेंस अहमियत रह सके एक जम, बहुत सही कहा तुमने तो कि एक ज़माना था कि अफ़गानिस्तान से लोग हमने ट्रीट किया अफ़गानिस्तान से लोग आते थे चंद्रशेखर जी जो प्राइम मिनिस्टर भी बने उस समय प्राइम मिनिस्टर नहीं थे वो यूथ लीडर थे कांग्रेस के तो उनको गोल्ड ब्राइडर में अक्यूट इंफॉमेशन अक्यूट कॉल स्टार्टिस कहते हैं वो अपने बलिया में थे बलिया से उनको ले जाया गया लखनऊ लोगों ने कहा कि यहाँ ठीक इलाज नहीं होगा दिल्ली जाइए दिल्ली लोगों ने कहा नहीं पटना जाइए हम उस वक्त यस डॉक्टर बने थे नए नए हमारे टीचर थे डॉक्टर जीवन शाही उन्होंने उनका ऑपरेशन किया हम लोग भी टका हुआ काटते थे बाद में उनका तो ये रुतबा था पटने का आज हम कहाँ पर हैं तुमने बता ही दिया कहाँ पर हम हैं तो बहुत सारी वजह है इसकी लेकिन सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारी प्लानिंग सही नहीं हो पाई और अगर हम कहें कि हमको कोई चीज़ बहुत पसंद है तो हम उसका बड़ा हिस्सा वहाँ लगाएंगे ना अगर आप जीडीपी का 1.4 परसेंट और 1.9 परसेंट हेल्थ पर लगाएंगे और फिर कहेंगे कि यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर कमज़ोर है तो मजाक है ना बेवूफ़ी किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं हम लोग और ये अभी की सरकार का नहीं है सरकार में हमेशा होता है हमें याद है कि जब पारस अस्पताल का की बुनियाद रखी जा रही थी उसका फाउंडेशन था तो लालू जी भी आए हुए थे कुछ गेस्ट बाहर से आए हुए थे इंटरनेशनल गेस्ट थे उस वक्त हमने कहा था कि सर एक अस्पताल तो बन जाएगा इन ऊपर वाले की मदद रही कि ऐसे कम से कम पटना में पांच अस्पतालों की ज़रूरत है उस लेवल के अस्पतालों की तो कैसे होई वह कैसे हो आप जी बढ़ाइए जो हेल्थ पर आप खर्च करते हैं कीजिए लेकिन जी उस वक्त भी वैसे ही था आज भी वो सही है और पता नहीं कब तक ऐसा रहेगा अगर हम सच में चाहते हैं कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करें तो उसमें डेफिनेटली हमको जो अभी का 1.4 परसेंट और 9 परसेंट है इसको कम से कम 7 परसेंट के करीब ले जाना होगा नंबर एक नंबर टू जो सबसे बड़ी कमज़ोरी हमारी हो गई है वो करप्शन है रैमपेंट करप्शन ठीक है नीतीश जी बहुत अच्छे आदमी हैं नीतीश जी पर कोई उंगली नहीं उठाता लेकिन जब तक सिस्टम से करप्शन नहीं हटेगा तब तो आप कितने ही परसेंट लगा लिए तो अगर जी बढ़ाएंगे हम अगर हम प्लानिंग प्रॉपर करेंगे और अगर करप्शन पर हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे तो डेफिनेटली हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बढ़ेगा और बढ़कर रहेगा मतलब सालों से सरकारों ने यही